Hello of cost यहां पे हम देखने वाले कि किस तरीके से cost books हम कर सकते हैं कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा ठीक है बुक कीपिंग क्या होता है जैसा हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देख रखा है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना है तो हम बनाते हैं पहले जर्नल फिर बनाते हैं लेजर और फिर उसके बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस इनकी मदद से हम रिजल्ट्स निकालते हैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है इनकी मदद से तो ये जो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस है ना दिस इज आर बुक कीपिंग सो अगर फाइनेंशियल अकाउंट रिलेटेड बुक कीपिंग करोगे तो फाइनेंशियल बुक कीपिंग होगा अगर कॉस्ट अकाउंट रिलेटेड जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो कॉस्ट बुक कीपिंग कहलाएगा ठीक है थीके? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ना वो कॉस्ट के एनालिसिस की मदद से लेती है, का मतलब क्या होता है? जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल करते हैं एक सौ बीस रुपए मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था हंड्रेड रुपीज इनके बीच में कितने का वेरियंस है बीस रुपए का डिफरेंस है दैट इज वेरियंस है यह वेरियंस क्यों आया इसके पीछे का रीजन निकालना और इसको कैसे धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं दिस कम्स अंडर कॉस्ट का एनालिसिस इसकी मदद से मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ठीक है कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है कॉस्ट रिपोर्ट की मदद से कॉस्ट रिपोर्ट कब सही कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएगी जब आपने कॉस्ट का डाटा सही तरीके से सारे के सारे कॉस्ट रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया है तभी उसकी मदद से कॉस्ट की रिपोर्टिंग हो सकती है है हाँ ना तो कॉस्ट का डाटा कलेक्शन मतलब क्या यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए कॉस्ट रिलेटेड वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम इकट्ठा करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अब अगर कॉस्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बात आ रही है ना तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो दोनों जगह कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो भी होंगे कॉस्ट रिलेटेड वो ही यहां पे रिकॉर्ड होंगे जैसे कि एक सप्लायर है सप्लायर से मैंने मटेरियल परचेस किया यहां पे मैं किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रही हूं एक्सटर्नल पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही हूं एक्सटर्नल पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया पर अगर यही ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता कि भाई मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया स्टोर्स में रखा हुआ है अब इसको मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रही हूँ क्या इस केस में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई एंट्री पास करती हूँ क्या बिल्कुल नहीं हम सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पास करते हैं लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना तो वो सारे के सारे कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं ये भी रिकॉर्ड करूंगी कि सप्लायर से मैंने मटेरियल लिया इसके बाद ये मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किया जा रहा है ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा इन आर कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है सो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है ठीक है अब एक बात बताओ अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को एक साथ बनाने लग जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा ना यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन मेरे यहाँ पे भी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यहाँ पे भी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ बनाने लग जाऊंगी तो मेरे को एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और साथ में इंटरनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मतलब मेरा बेनिफिट होगा है ना तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को एक साथ मेंटेन करते हैं दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर मेनटेन टुगेदर इन आर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग रखी जा रही है और कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग रखा जा रहा है एज पर सीमा ये सीमा सी आई एम ए वाली सीमा है ठीक है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला कि भाई जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग बनाते हैं ना तो इसको हम इंटरलॉकिंग अकाउंट्स बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो इनके अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं जब अकाउंट्स इनके अलग अलग बनते हैं ना तो एक बात बताओ मेरे को क्या इनका प्रॉफिट मैच करेगा क्या जो प्रॉफिट मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ रहा है क्या वही सेम प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दिखता है क्या बिल्कुल नहीं क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होते हैं और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होते हैं तो इनका प्रॉफिट तो मैच नहीं करता अब प्रॉफिट मैच नहीं करता ना तो हमको क्या करना पड़ता है इन दोनों को रिकनसाइल करते रहना पड़ता है इन दोनों के प्रॉफिट्स को मैच कराने के लिए हम एक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम ठीक है सो so, अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो यहां पे सेपरेट लेजर्स बनते हैं फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन कॉस्ट अकाउंट्स सीमा ने बोला कि भाई ये तो इंटरलॉकिंग अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों को अलग अलग रखते हैं और एज दोनों अलग अलग हैं तो इनके प्रॉफिट को टाइम टू टाइम रिकनसाइल किया जाता है ठीक है लेकिन जब मैं दोनों को एक साथ बना रही हूँ तो क्या यहां पे रिकनसिलेशन होगा क्या बिल्कुल नहीं किससे रिकनसाइल करू जब मैं एक ही पर्टिकुलर अकाउंट्स बना रही हूं मैं कुछ भी अलग अलग नहीं रख रही सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रही हूं चाहे हो, चाहे फाइनेंशियल हो हो कॉस्ट तो यहां पर हूँ की बात ही नहीं आती नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में चीजों को कैसे एक्चुअल में रिकॉर्ड किया जाता है देखो नॉन इंटीग्रेटेड मतलब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने वाली हूँ अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने वाली हूँ अलग है ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम जिंदगी भर वही सीखते आए कि भाई जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट कैसे बनती है तो इसमें तो हमको कोई झंझट ही नहीं है कुछ सीखना ही नहीं है इसमें हमारा मेन फोकस होगा नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में चीजों को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे देखने वाले अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग न मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट तीनों के अकाउंट मेंटेन करते हैं रियल अकाउंट मतलब फिक्स एसेट और करेंट एसेट रिलेटेड अकाउंट ठीक है नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट मतलब सप्लायर और कस्टमर्स के अकाउंट ठीक है जो भी पर्सन रिलेटेड अकाउंट होंगे वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं तो ये सारे के सारे मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन करती हूं लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देखते हैं ना तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड अकाउंट मेंटेन करते हैं और साथ साथ रियल अकाउंट का स्टॉक अकाउंट मेंटेन करते हैं इसके अलावा कोई भी रियल अकाउंट मतलब कोई भी एसेट्स कोई भी करेंट एसेट से मुझे कोई भी मतलब नहीं है कोई भी पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी सप्लायर कोई भी कस्टमर रिलेटेड अकाउंट से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है क्यों क्योंकि एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग इन चीजों से मतलब ही नहीं रखता उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फिक्स एसेट्स है हमारे पास कौन सा करेंट एसेट है कोई मतलब नहीं है हमको कौन से सप्लायर से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं खरीद रहे है, कौन से कस्टमर को हम प्रोडक्ट बेच रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे हमको इनकम और एक्सपेंसेस से मतलब है हमको स्टॉक से मतलब है तो बस इन्हीं के अकाउंट्स यहाँ पे बनते हैं पर एक बात बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता होगा और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही हूं तो मेरे को एक डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट करना ही पड़ेगा जैसे कि समझ लो मटेरियल खरीदा गया फ्रॉम सप्लायर सप्लायर से मटेरियल खरीदा मैंने तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करती दू मटेरियल और पर्चेज अकाउंट डेबिटेड टू यहां पे हम लिखते हैं कैश और सप्लायर अकाउंट है ना अब इसमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है नॉमिनल अकाउंट है ये मेरे पास ठीक है नॉमिनल अकाउंट है मेरे पास लेकिन यहां पे देखो ये तो मेरा रियल अकाउंट है और ये मेरा क्या है पर्सनल अकाउंट है अगर सप्लायर का अकाउंट है तो वो पर्सनल हो जाएगा और कैश लिख रही हूं तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैं इसको तो मेंटेन ही नहीं करती तो ये वाली एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे की जाएगी पहली बात तो मैं मटेरियल की जगह लिखूंगी परचेजेस की जगह लिखूंगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं जो भी बात तो कैश और सप्लायर नहीं लिख सकती क्योंकि ये है, और ये है हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं करते। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसमें सारे के सारे पर्सनल सारे के सारे रियल अकाउंट को डाल दिया जाता है ठीक है तो जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर इसको बोल सकते हो आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ये अकाउंट हम मेंटेन करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग आर रियल और पर्सनल एंट्रीज तो जो भी रियल और पर्सनल अकाउंट रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो सब जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगी या फिर कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगी ठीक है मैं अलग से कोई भी रियल अकाउंट कोई भी पर्सनल अकाउंट का अकाउंट नहीं बनाने वाली एक्सेप्ट स्टॉक ठीक है और सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स इनके अकाउंट्स बस हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बनते हैं ठीक है यहाँ पे हमारे पास होता है स्टॉक का लेजर स्टॉक मतलब जो भी मेरे पास मटेरियल है उससे रिलेटेड लेजर्स बनते हैं जैसा हमने मटेरियल कॉस्ट के अंदर देखा था कि भाई कैसे मटेरियल या स्टोर्स लेजर हम बनाते हैं नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर जो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है उस वर्क इन प्रोग्रेस का मैं यहाँ लेजर बनाती हूँ फिनिश गुड्स कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका लेजर्स बनता है और कॉस्ट लेजर्स बनते हैं ठीक है तो ये सारे लेजर्स बनते हैं पर हमारा फोकस अभी लेजर्स पे नहीं होने वाला है हमारा फोकस होगा कंट्रोल अकाउंट्स पे अभी कंट्रोल अकाउंट और लेजर में क्या डिफरेंस है समझो जब मैं स्टोर लेजर्स बनाती हूं तो मैं अलग अलग मटेरियल का कितना रिसीट हुआ कितना इश्यू हुआ कितना बैलेंस बचा वो सब रिकॉर्ड करती हूँ हर एक मटेरियल के लिए जब मैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगी या फिर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगी तो वहां पे मैं रिसीट टोटल रिसीट कितनी हुई वो लिखूंगी टोटल मैंने इशू कितना किया वो लिखूंगी और बैलेंस मेरे पास कितना बचा हुआ है टोटल हर एक मटेरियल का सारा इंक्लूड करके यहाँ पे शो करूंगी तो यहां पे हम इन डिटेल नहीं जाते यहां पे हम टोटल टोटल अमाउंट्स को शो कर देते हैं सारे ठीक है तो देखो स्टोर लेजर का कंट्रोल अकाउंट हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट हम देखेंगे फिनिश गुड्स का लेजर कंट्रोल अकाउंट देखेंगे और एक होगा जनरल और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जहां पर सारे के सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स को डाला जाएगा ठीक है इसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए रिलेटेड तो होगा वो यहां जाएगा एडमिन का खर्चा यहां आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा यहाँ जाएगा जो भी खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स का होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चला जाएगा फिर हम कॉस्टिंग अकाउंट में डालते हैं और एक और होता है हमारे पास अकाउंट दैट इज ओवरहेड का एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब अंडर और ओवर एब्सॉर्ब ओवर आ जाते हैं ना तो उस केस में ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट्स बनते हैं तो ये सारे अकाउंट्स हमको बनाने पड़ते हैं इन आर कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है ये तो थी बात नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में कैसा होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को एक साथ मेंटेन कर रही हूँ मतलब यहाँ पे कॉमन अकाउंटिंग होगी अब मेरे को एक बात तो पता है कि भाई जो नॉमिनल अकाउंट्स है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन किए जाते हैं पर रियल और पर्सनल नहीं मेंटेन किए जाते हैं। है हाँ ना तो हम क्या कर सकते हैं इन आर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं कि भाई रियल और पर्सनल वाली सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले तुम रिकॉर्ड करो और जितना भी जगह नॉमिनल अकाउंट की बात आएगी वहां पे जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे ठीक है तो जो भी रियल और पर्सनल अकाउंट रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करनी होगी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे रिकॉर्ड होता है वैसे करेंगे और जितना भी नॉमिनल अकाउंट वाली चीजें होंगी वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे रिकॉर्ड करते हैं वैसे करेंगे लेट से मैं अगर एक ट्रांजेक्शन की बात करूं जो हमने अभी देखा था कि हमने सप्लायर से परचेस किया मटेरियल ठीक है तो परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और सप्लायर अकाउंट ये एंट्री हम पास करते हैं अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर अगर मैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात करूं तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी परचेसेस की जगह लिखूंगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और इसके नीचे को दिख रहा है कि ये क्या है रियल और पर्सनल अकाउंट है तो जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा जाता है वैसा का वैसा लिख दूंगी टू कैश और सप्लायर अकाउंट तो यहाँ पे मेको कॉस्ट अकाउंटिंग का भी बेनिफिट मिल रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीजें भी मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ सारी ठीक है तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के अंदर दोनों के दोनों चीजें अपनी अपनी जो कैरेक्टर्स है उसको मिला के एक अकाउंट बनाते हैं ठीक है ना मूविंग टू वर्ड की भाई एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है हमको हम वो सीखने वाले हैं उससे पहले ये समझो कि जर्नल एंट्रीज का पूरा हमारा प्रोसेस क्या होगा पहली बात तो जो भी मटेरियल का खर्चा हमने किया लेबर का खर्चा हमने किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए फैक्ट्री ओवरहेड किए ये सारे के सारे पहले कहाँ जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं पहले काम जब चलता रहता है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसके बाद जब इसमें एडमिन ओवरहेड ऐड हो जाता है तो सारे के सारे खर्चे चले चले जाते Finish में चले जाते हैं हैं फिनिश गुड्स में क्योंकि अब हमारे पास फाइनल गुड तैयार हो गया ठीक है इसके बाद जब मैं सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देती तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच जाती हूँ और जब मैं प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉसेस को कंसिडर करना होता है तो उसको मैं कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के थ्रू कंसिडर करती हूँ ठीक है ये जो आपको पूरा प्रोसीजर दिख रहा है ना ये आपको कॉस्ट स्टेटमेंट्स की तरह दिख रहा होगा देखो कॉस्ट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं हम यहां पे लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट जो मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से बनता है ओवर को ऐड करने से बनता है फैक्ट्री रिलेटेड वो क्या होता है फैक्ट्री कॉस्ट होता है ठीक है इसमें जब मैं एडमिन ऐड कर देती हूँ तो मैं कहां पहुंच जाती हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पहुंच जाती हूँ अंडर योर कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड नेक्स्ट सेलिंग ओवर ऐड करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच जाते हो जब प्रॉफिट्स ऐड कर देते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो सेल्स पर पहुंच जाते हो तो वही सेम प्रोसेस है बस नाम अलग अलग है यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट हम यूज कर रहे हैं अब फाइनली हम देखने वाले हैं कि भाई ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर इंटीग्रेटेड मतलब कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल दोनों एक साथ हैं नॉन इंटीग्रेटेड मतलब फाइनेंशियल अलग और कॉस्ट अलग वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे ठीक है देखो क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल मटेरियल अगर मैंने क्रेडिट में परचेस किया तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या एंट्री पास करती हूं परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स है ना अब इसी एंट्री को अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में लेके चले जाऊं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम परचेसेस तो नहीं लिखते परचेसेस किसका हो रहा होगा मटेरियल का हो रहा होगा तो यहां पे लिखा जाता है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर आ गया मतलब यहां पर आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट आ गया तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखने की जगह मैं यहां पे लिख रही हूँ सी एल सी अकाउंट आपको पूरा लिखना है ठीक है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एग्जाम में सी एल सी लिख के नहीं आना नेक्स्ट इसके बाद जब हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का फॉलो कर रहे हैं जहां पे कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों आ जा रहे हैं वहां पे हम नॉमिनल अकाउंट्स को क्या करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स को जैसा कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है वैसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी इसको सेम इसी तरीके से लिख दूंगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड और इसके नीचे मैं क्या एंट्री लिख रही हूँ पर्सनल अकाउंट आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे मैंने लिखा था वैसा लिख लूंगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट तो देखो यहाँ पे ना हम दोनों के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं चीजें यहाँ पे मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज का भी बेनिफिट मिल रहा है और मेरे को साथ साथ हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो बेनिफिट्स होते हैं रियल और पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करने के वो भी मिल रहा है तो इंटीग्रेटेड अकाउंट में दोनों के बेनिफिट्स हमको मिलते हैं नेक्स्ट कैश परचेस ऑफ मटेरियल अब क्या होगा जब बस क्रेडिटर की जगह हमारे पास कैश आ जाएगा तो परचेसेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और परचेसेज की जगह हम क्या लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश की जगह मैं क्या लिखूंगी सीएलसी अकाउंट क्योंकि भाई कैश तो हमारा रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है ठीक है नेक्स्ट हमारा जब इंटीग्रेटेड फॉलो कर रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू मैं क्या लिखूंगी कैश अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से उठा के ठीक है ना नेक्स्ट आ रहा है परचेस ऑफ स्पेशल मटेरियल फॉर डायरेक्ट यूज इन जॉब मैंने परचेस किया ना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं है सेम एंट्री पास होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड अगर कैश में परचेस किया होगा तो कैश लिख देंगे क्रेडिट में परचेस किया होगा तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे ठीक है लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हूं तो जो भी परचेसेस जो है ना मैं अगर डायरेक्ट यूज इन जॉब के लिए कर रही हूं इन दैट केस मैं उसको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के अंदर नहीं डाल रही हूं मैं क्या कर रही हूँ उसको डायरेक्ट यूज कर ले रही हूँ जॉब में डायरेक्ट यूज मतलब वो डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर चला जा रहा है ठीक है तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर है तो उसकी जगह सी एल सी अकाउंट लिख जाएगा ठीक है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे अब इंटीग्रल में आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर अकाउंट तो यहां पे हमने दोनों के बेनिफिट्स को ले लिया वर्क इन प्रोग्रेस मतलब नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने जैसा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया वैसे रिकॉर्ड कर लिया और पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए हमने जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया वैसा कर लिया नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है परचेस ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर रिपेयर के लिए मैंने मटेरियल खरीदा है कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कि भाई तुमने के लिए, लिए खरीदा है हम यहां पर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर कर देंगे ठीक है लेकिन जब मैं आ जाती हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फर्क पड़ता है कि हम किस चीज़ के लिए मटेरियल खरीद रहे हैं अभी हमने मटेरियल हमारे रिपेयर्स के लिए खरीदा है रिपेयर्स किसका करोगे भाई रिपेयर्स तो मशीन का ही करेंगे मशीन्स कहाँ हैं मशीन्स हैं हमारे फैक्ट्री के अंदर और एज रिपेयर्स वाला जो मशीन का रिपेयर वाला खर्चा होता है वो मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं बनता वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी ओवरहेड के अंदर लेके जाऊंगी तो अभी जो मेरा यहां पे अकाउंट आएगा वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू सी एल सी दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यहां पे हम एंट्री करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और क्रेडिटर अकाउंट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज माइ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर मैंने सप्लायर को मटेरियल रिटर्न कर दिया तो जैसे परचेस किया अपोजिट एंट्री पास कर देंगे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी यहां पे हम क्रेडिटर की जगह सीएलसी अकाउंट लिखेंगे डेबिटेड टू Purchases की जगह क्या आता है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट नेक्स्ट हमारा जब इंटीग्रेटेड अकाउंट हम बना रहे हैं तो इंटीग्रेटेड के अंदर मैं यहाँ ले लूंगी क्रेडिटर्स अकाउंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही आसान है बस हमको एंट्रीज को सही से समझ के चीजों को सही तरीके से रिकॉर्ड करना है पेमेंट क्रेडिटर्स फॉर जो भी सप्लाई हमारे क्रेडिटर ने की उसके लिए अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं तो मैं लिखूंगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक ठीक है यहां पे आ जाएगा सीएलसी अकाउंट डेबिटेड टू सीएलसी अकाउंट क्योंकि भाई देखो यहां पे क्या है ना यहां पे क्रेडिटर भी हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट कैश और बैंक है मेरा रियल अकाउंट तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को ही मैं डेबिट कर रही हूँ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को ही मैं क्रेडिट कर रही हूँ या तो ये एंट्री पास कर सकते हो या तो पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अगर एक ही अकाउंट को तुम डेबिट कर रहे हो एक ही अकाउंट को तुम क्रेडिट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इसका ठीक है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी नेक्स्ट जब मैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स फॉलो करती हूँ एज मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है मतलब पूरा का पूरा जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लिखा गया सेम टू सेम मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा रियल और पर्सनल अकाउंट से ही बना हुआ एंट्री है रियल और पर्सनल अकाउंट कहां से लेते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट नेक्स्ट नेक्स्ट है इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन शॉप प्रोडक्शन शॉप को हमने क्या किया इशू कर दिया डायरेक्ट मटेरियल इशू की एंट्री क्या हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं नहीं होती तो यहाँ पे नो no एंट्री आ जाएगा नेक्स्ट अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जा रहा है प्रोडक्शन शॉप में तो मतलब मैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से उठा के मटेरियल डाल रही कहा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी क्योंकि अब यहाँ पे मटेरियल जा रहा है और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से मटेरियल कम हो रहा है तो इसलिए इसको मैं क्या करूंगी क्रेडिट करूंगी ठीक तो इसका एंट्री यहां पे क्या आएगा हमारे इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री पास होगी क्योंकि यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन जॉब इनडायरेक्ट मटेरियल हो डायरेक्ट मटेरियल हो इशू की एंट्री तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं होती यहां कैसी एंट्री होगी इनडायरेक्ट मटेरियल तुम इश्यू कर रहे हो प्रोडक्शन शॉप में इश्यू कर रहे हो इनडायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में जाने की जगह कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और सेम की सेम एंट्री हम हमारे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में भी पास कर देंगे नेक्स्ट रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर्स स्टोर्स को मैंने रिटर्न कर दिया मेरा डायरेक्ट मटेरियल ये एंट्री भी यहां पास नहीं होगी क्योंकि यहां पे मैं सप्लायर को रिटर्न नहीं कर रही हूं मैं स्टोर्स में रिटर्न कर रही हूं एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट को वापस कर दिया मटेरियल तो यहां पे एंट्री तो पास नहीं हो रही नेक्स्ट यहां पे एंट्री होगी मटेरियल में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में मटेरियल बढ़ जाएगा इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी टू डायरेक्ट मटेरियल था मतलब मैंने वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में डाला था उसको तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट से निकाल रही हूं इसलिए टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट लिखूंगी सेम एंट्री हम यहां पास कर देंगे नेक्स्ट रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर स्टोर्स को मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल वापस किया यहां पे कोई भी एंट्री नहीं आएगी यहां पे हमने किसको दिया था इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स ने किसको दिया होगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में गया होगा अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कम हो रहा है तो हम लिखेंगे टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में वापस मटेरियल आ रहा है इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगी सेम एंट्री हम इंटीग्रेटेड अकाउंट में भी डालेंगे नेक्स्ट मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर क्या हो रहा है देखो दो जॉब्स हैं दो अलग अलग जगह प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है यहाँ पे जो मटेरियल पड़ा था उसको उठा के यहाँ पे दे दिया गया तो क्या ये ये एंट्री हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पास होती है क्या नहीं पास होती और साथ साथ हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी ये एंट्री पास नहीं होती मैं क्या करूंगी बताओ यहाँ पे अगर एक वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट से उठ के दूसरे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में जा रहा है तो मैं क्या एंट्री पास कर सकती हूँ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट तो इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे तो भी चलेगा इसीलिए यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होती क्योंकि एक ही अकाउंट को डेबिट करके एक ही अकाउंट को क्रेडिट करने से कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन मटेरियल स्टॉक अब इसको ध्यान से समझना हमने यहाँ पे क्या बोला एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन मटेरियल स्टॉक हमारा जो मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है ये मटेरियल की वैल्यू भी धीरे धीरे करके कम हो सकती है हमने जब मटेरियल खरीदा था वो हजार रूपये का होगा पर अब मटेरियल की वैल्यू आठ सौ रुपए हो गई ये जो रिडक्शन हुआ अगर ये रिडक्शन नॉर्मल है तो नॉर्मल रिडक्शन को हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर डालते हैं ठीक है अगर ये रिडक्शन जो है एब है एब चीजें सारी कॉस्टिंग पी एंड एंडलग में जाती हैं नॉर्मल रिडक्शन है, है इसलिए हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे So, यहां तो कोई एंट्री नहीं हो रही यहां हम एंट्री पास करेंगे क्या एंट्री पास होगी मटेरियल कम हो रहा है क्योंकि मटेरियल की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है और इसको हम किससे चार्ज कर रहे हैं हम चार्ज कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से। सेम एंट्री हम यहां पास कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल सरप्लस एंड मटेरियल स्टॉक अभी यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ था अब बोल रहा है कि मटेरियल सरप्लस हो गया वैल्यू उसकी बढ़ गई है ठीक है तो पहले मटेरियल की वैल्यू अगर हजार थी अब इसकी वैल्यू बारह हो गई तो मटेरियल की वैल्यू बढ़ गई अब इसको मैं कहाँ चार्ज करूंगी अगर नॉर्मल है तो इसको भी आप फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ही लेके जाओगे सो तो एंट्री क्या पास होगी यहां तो कोई भी एंट्री नहीं होगी यहां हम एंट्री पास करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड क्योंकि मटेरियल की वैल्यू बढ़ रही है डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डाल देंगे और सेम एंट्री हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में भी पास करेंगे नेक्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस वेजेस का पेमेंट हो रहा है तो भाई अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाग गया है वो एंट्री करेगा वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है ना नेक्स्ट इसके बाद हमारे कॉस्ट uh, अकाउंटिंग के अंदर भी हम एंट्री करेंगे वेजेस की जगह हम क्या लिखते हैं यहां पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक की जगह में क्या लिखूंगी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और हम यहां पे क्या एंट्री पास करेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक ठीक नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस वेजेस जो मैंने पे किए उसका एनालिसिस करना कि भाई किसने किस डिपार्टमेंट किस में कितना कितना खर्चा गया वो एनालिसिस क्या मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करती हूँ नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बस इतना ही मतलब है कि कितना वेजेस पे हो गया कितना बचा है बस उसी से लेकिन जब वेजेस का एनालिसिस करना है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये एनालिसिस करते हैं कैसे होगा देखो पहली बात तो मैं क्या करूंगी वेजेस का एनालिसिस कर रही हूँ मतलब वेजेस कहीं ना कहीं गया है उसको मैं देखना चाहती हूँ तो वेजेस को पहली बात तो मैं क्रेडिट कर दूंगी वेजेस कहाँ कहाँ गया सबसे पहली बात तो वेजेस गया होगा मेरे डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट में जो भी डायरेक्ट वेजेस होंगे ना वो डब्ल्यू कंट्रोल अकाउंट में डायरेक्टली चले गए होंगे जो इनडायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड वेजेस होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में गए होंगे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ओवरहेड्स होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड वेजेस होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको मैंने जो भी वेजेस पे किया वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर गए होंगे एडमिन के एम्प्लॉयज को जो भी मैंने वेजेस पे किया वो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर गए होंगे ठीक है तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने वेजेस का यही सेम एंट्री हम यहां पास कर देंगे नेक्स्ट क्योंकि यहां पे कोई भी एंट्री नहीं हुई है नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक ठीक है अब ये एक्सपेंस किसका यहां पे स्पेसिफाइड है क्या नहीं है तो मतलब ये एक्सपेंस हो सकता है हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का ये एक्सपेंस मेरे एडमिन का भी हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंस भी हो सकता है ठीक है तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबको डेबिट करूंगी टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्योंकि कैश और बैंक है ठीक है एक्सपेंस के लिए हम अलग से अकाउंट नहीं बनाते हम उसको जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिलेटेड खर्चा उस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं फैक्ट्री रिलेटेड हो तो फैक्ट्री ओवर में चले जाएगा एडमिन रिलेटेड हो तो एडमिन ओवर में चले जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा अब एंट्री यहां पे क्या पास होगी हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड एडमिन ओवर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंट्री रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा देखो यहां पे तो मैं लिखती हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम अलग से डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही बनाते हैं हम बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन कहां हो सकता है डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ होगा या तो फैक्ट्री में फैक्ट्री की मशीन्स में अगर डेप्रिसिएशन लगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मशीन्स में लगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा अगर एडमिन रिलेटेड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा तो एडमिन ओवरहेड में जाएगा तो यहां क्या एंट्री पास होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड पूरा लिखोगे ना आप फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट पूरा लिखोगे जैसे मैं पहले लिख रही थी नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट तो हम लिखते नहीं तो हम लिखेंगे सी एल सी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखो या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो दोनों की दोनों चीजें सेम है ये ध्यान रखना पर ऐसे मत करना कि एक ही क्वेश्चन में एक जगह कॉस्ट लेजर लिख रहे हो एक जगह जनरल लेजर लिख रहे हो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे जब टोटल एक अकाउंट बनाना पड़ेगा तो ठीक है नाउ अब यहां पे क्या एंट्री पास होगी यहां पे हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कराया जा रहा है कहां एब्जॉर्ब होता है फैक्ट्री ओवरहेड बताओ जो भी फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड है वो मेरा सारा का सारा जाके वर्क इन प्रोग्रेस में एब्सॉर्ब हो जाएगा तो यही एंट्री हम यहां पे पास करने वाले हैं तो इससे तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई लेना देना ही नहीं है डायरेक्ट हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएंगे हम बोलेंगे कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में चीजें ऐड हो रही हैं कहाँ से उठ के हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से के तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से चीजें कम हो रही हैं इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया और वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में अब चीजें जा रही हैं वहां का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट को मैंने डेबिट किया सेम एंट्री हम यहां पे पास कर देंगे नेक्स्ट स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क है यहां पे कुछ भी एंट्री नहीं होगा यहां पे हम एंट्री करेंगे कि भाई जो स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव वर्क है वो हमारा कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा कहां से उठ के वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट से उठ के सेम एंट्री आप यहां पे पास कर दोगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड जो जॉब्स कंप्लीट हो गई उनका कॉस्ट रिकॉर्ड करने का एंट्री यहां तो कोई पास नहीं हो रहा हम एंट्री पास करेंगे नेक्स्ट पे यहां पे हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जो जॉब्स कंप्लीट हो गई मतलब फिनिश गुड्स बन गए हैं यहां पे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड ये कैसे कंप्लीट होगा देखो जो भी जॉब्स मेरे कंप्लीट हो गए ना मतलब जो भी सामान मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में था अब वो कहाँ चले जाएगा अब वो फिनिश गुड्स में चला जाएगा तो मैं बोलूंगी कि भाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट सेम एंट्री हम यहाँ पास कर देंगे क्या मैं इसकी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करूंगी ऑफकोर्स करनी चाहिए क्योंकि तो ये कॉस्ट गुड्स जो बेचे गए उनका है पर ये ध्यान रखो ये मैं सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर रही कि मैंने गुड्स बेचा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कितना खर्चा हुआ मेरे गुड्स का गुड्स का टोटल खर्चा कितना हुआ वो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस केस में यहाँ पे एंट्री नहीं होती अगर मैं बेचती होती तो वो एंट्री यहाँ पास करती लेकिन एज मैं बेच नहीं रही हूँ सारे के सारे खर्चे जो कि कॉस्ट गुड्स सोल्ड जो बेचने वाले गुड्स है मेरे उनके खर्चों को इकट्ठा कर रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बनता है हमारे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बोल सकते हैं आप इसको डेबिट करते हो इसको आप और इसमें आता है सारा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से ठीक है थीके? तो यहां पे भी आप देख सकते हैं हमारा जो फिनिश गुड्स के अंदर रहता है वो कहां जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाता है सेम एंट्री हम इंटीग्रेटेड अकाउंट में भी पास कर देंगे नेक्स्ट ऑफ एडमिन ओवर हेट एडमिन ओवर हेट कहां एब्जॉर्ब होता है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में एब्जॉर्ब होता है तो हम एडमिन ओवर हेट को वहीं एब्जॉर्ब करेंगे यहां तो कोई एंट्री पास नहीं होगी यहां हम लिखेंगे कि भाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर हम एब्सॉर्ब कराएंगे हमारे एडमिन ओवर को ठीक सेम एंट्री आप यहां पे भी पास कर दोगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स सेल्स हुआ तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग जाग जाएगा और यहां पे हम लिखेंगे कैश और डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट सेम एंट्री यहां पे पास होगी पर यहां पे क्या लिखा जाएगा यहां पे हम लिखेंगे जर्नल या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स की जगह आप क्या लिखोगे सेल्स तो लिखेंगे नहीं हम यहां पे हम लिखेंगे सेल्स की जगह कॉस्टिंग पी अकाउंट क्योंकि देखो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है वो सारा का सारा कॉस्टिंग पीएड एल अकाउंट में जाता है मतलब सेल्स भी हम पूरा कॉस्टिंग पी पीएडल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट यहां पे क्या एंट्री पास करेंगे हम लिखेंगे कैश और डेटर अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग पी एल अकाउंट नेक्स्ट आ रहा है ऑफ़ सेलिंग ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहां कोई एंट्री पास नहीं होगी सेलिंग ओवरहेड को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में एब्सॉर्ब कराएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिटेड टू सेलिंग ओवर हेड अकाउंट सेलिंग ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट ठीक है सेम एंट्री आप यहां पे पास कर दोगे नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड तो हमने ओवरहेड्स वाले चैप्टर में देखा था कि ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन के तीन अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं पहला तुम उसको कॉस्टिंग पी पीएं अकाउंट में ले जाओ दूसरा ट्रीटमेंट कि भाई तुम इसको क्या कर सकते हो रिजर्व अकाउंट में ले जाके अगले पीरियड में ले जाओ तीसरा ट्रीटमेंट आप कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स में उसको चार्ज करा सकते हो लेकिन हम यहां पे क्या ट्रीटमेंट प्रेफर कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट वाला ट्रीटमेंट प्रेफर कर रहे हैं बाकी दो ट्रीटमेंट हमने ओवर वाले चैप्टर में देख लिया तो यहां पे हम क्या करेंगे जो भी ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा उसको कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे यहां तो कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही नहीं है ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री पास करेंगे एंट्री क्या होगी सबसे पहली बात तो मैं कहा लेके जा रही हूँ कॉस्टिंग पी एंड अकाउंट में लेके जा रही हूँ ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया मतलब मैंने खर्चा ज्यादा चार्ज कर दिया अब मैं वो खर्चे को कम करूंगी खर्चे को कम करूंगी मतलब इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी तो कॉस्टिंग पी एंड अकाउंट नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओवर एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक है तो ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन जब भी आएगा उसको आप ओवर एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ट्रीट करोगे सेम ट्रीटमेंट यहां पे किया जाएगा नेक्स्ट अगर अंडर एब्जॉर्न ऑफ ओवरहेड आ रहा है तो मतलब मैं कॉस्टिंग अकाउंट में इसको डेबिट करने वाली हूं टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट सेम एंट्री आप यहां पे पास कर दोगे सो so, इसी के साथ हमने सारी की सारी एंट्रीज समझ ली कि कैसे जर्नल एंट्रीज अगर पास करने के लिए आ गया तो कैसे पास करनी है? हमने मैक्सिमम सारे के सारे कवर कर लिए पे मतलब इससे आगे तो इंस्टीट्यूट नहीं पूछ सकता आपसे अगर जर्नल एंट्री आता है तो इन्हीं में से किसी से पूछा जाएगा इसके अलावा हमको अब देखना है कि कैसे कंट्रोल अकाउंट्स बनते हैं वही जनरल अकाउंट जनरल एंट्रीज को हमको अकाउंट के बेसिस में शो करना है और कुछ भी नहीं करना तो वही हम देख रहे हैं स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं द फॉलोइंग बैलेंस आर शोन इन कॉस्ट लेजर ऑफ विनक लिमिटेड एज ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू को हमारे विनक लिमिटेड के कॉस्ट लेजर में हमको ये सारे बैलेंसेज मिले वर्क इन प्रोग्रेस का फैक्ट्री ओवर हैड फिनिश स्टॉक स्टोर्स लेजर एडमिन ओवरहेड इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का हमको यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है एज जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे यूज किया गया तो हम यही नाम इस्तेमाल करके सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे ठीक है इसके बाद मेरे को ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं तो ये ट्रांजेक्शन मेरे को रिकॉर्ड करने हैं इन अकाउंट्स में सबसे पहले मैं क्या करूंगी जिनका जिनका जिस जिस अकाउंट का मेरे को बैलेंस दिया हुआ है वो सारे के सारे अकाउंट बना लूंगी तो वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फिश स्टॉक अकाउंट स्टोर लेजर का अकाउंट एडमिन ओवरहेड का अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और सब में सबका बैलेंस डाल देते हैं सबसे पहले ठीक है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का मेरे पास बैलेंस है सेवन जीरो फाइव सिक्स मैं यहां रिकॉर्ड कर लूंगी टू कहां से आया बैलेंस टू बैलेंस पिछले साल से आया पिछले पीरियड से आया तो टू बैलेंस बॉट डाउन हम लिखेंगे नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में को दिया हुआ है थ्री सिक्सटी तो मैं भी मैं लिखूंगी टू बैलेंस बॉट डाउन थ्री सिक्सटी नेक्स्ट फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का भी मेरे को बैलेंस दिया हुआ है फाइव टू सेवन फोर टू बैलेंस बॉट डाउन फाइव टू सेवन फोर इसके अलावा हमारे पास है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस नाइन फोर फाइव जीरो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस वॉट डाउन नाइन फोर फाइव जीरो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास एडमिन का है वन एट्टी और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का है ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री ट्वेंटी इसका क्रेडिट बैलेंस है ध्यान रखना चलो एडमिन ओवर का वन रिकॉर्ड कर लेते हैं बैलेंस बॉट डाउन वन एटी और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास है सॉरी so, यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बॉट डाउन ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री ट्वेंटी ठीक है नाउ सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या बोल रहा है स्टोर्स इशू टू प्रोडक्शन फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी का हमने स्टोर्स इशू किया है प्रोडक्शन में मतलब क्या हुआ होगा यहां पे एंट्री सोचते हैं हम सबसे पहले ठीक है कोई भी अकाउंट में डालने से पहले पहले एंट्री सोच लेना क्योंकि एंट्री से हमने चीजें सीखी हैं तो यहां पे एंट्री पास होनी चाहिए पहली बात तो मैं स्टोर्स इशू कर रही हूं प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में इशू कर रही हूं मतलब मटीरियल कंट्रोल अकाउंट से तो कम हो रहा है तो मटीरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कहाँ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट पे ठीक है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा टू अपना मटेरियल कंट्रोल अकाउंट अब मैं वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट अगर बना रही हूं तो उसमें क्या लिखूंगी उसमें मैं मैं और अगर मैं material control account बना रही हूं, तो लिखूंगी by work in progress control account. यही सेम चीज़ हमको यहां करनी है यहां लिखेंगे हम टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कितना अमाउंट है फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी नेक्स्ट इसके बाद हमारे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में हम एंट्री पास करेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट अमाउंट है फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टोर्स परचेज हमने स्टोर्स परचेस किया परचेस किया तो क्या एंट्री पास करेंगे हम हम एंट्री पास करेंगे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बढ़ गया टू और बैंक टू हमारा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यहां पे नाम यूज कर रहे है, तो हम पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्या एंट्री होगी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर में क्या एंट्री होगी बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट सो हमारे पास ये रहा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहां पे लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अमाउंट है मेरे पास फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास एंट्री आ रही है मटेरियल परचेज फॉर डायरेक्ट इशू टू प्रोडक्शन हमने खरीदा लेकिन डायरेक्टली इशू कर दिया प्रोडक्शन में तो मैं क्या लिखूंगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट टू कैश और बैंक की जगह हम लिखेंगे कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और जनरल लेजो एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक है तो देखो एंट्रीज करने का कितना फायदा है अब क्वेश्चन में हमको ज्यादा तकलीफ ही नहीं आ रही है हमने एंट्री क्या बोली वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो मैं वर्क इन प्रोग्रेस में क्या लिखूंगी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर में क्या लिखूंगी बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट अमाउंट है वन का यहाँ आएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वन वन थ्री फाइव जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट वन वन थ्री फाइव नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेजेस पेड इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर टू फाइव टू जीरो फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का वेजेस मैंने पे किया जिसमें टू फाइव टू जीरो क्या है इनडायरेक्ट लेबर है तो पहली बात तो वेजेस पेड जो है वो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जाएगा टू क्या लिखूंगी मैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इसके बाद एक और एंट्री करेंगे एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बोलेंगे कि भाई टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट बाय कहा जाएगा हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा इनडायरेक्ट लेबर और जो डायरेक्ट है वो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में तो ये दो एंट्री का मेरे को अब अकाउंट्स में डालना है पहली बात वेजेस कंट्रोल अकाउंट में मैं क्या लिखूंगी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो ये पहले खत्म करके आते हैं वेजेस अकाउंट कहाँ है हमारा हिरा वेजेस अकाउंट इसमें लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अमाउंट कितना है अमाउंट है हमारे पास फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और जनरल लेजर में लिखेंगे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब इसके बाद क्या होगा ये वेजेस जाएगा किसके किसके पास वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट है उसको मैं कहा लेके जाऊंगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अमाउंट है टू फाइव टू जीरो का और नेक्स्ट हमारा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में बचा हुआ अमाउंट हमारे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में जाएगा थाउजेंड तो सिक्स मैंने टू फाइव टू जीरो हो गया कंप्लीट नेक्स्ट इसके बाद क्या एंट्री दिया हुआ है हमको फिनिश गुड सोल्ड वन लैक एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड नॉर्मली सोचो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या एंट्री पास करते हैं अगर हम फिनिश गुड्स बेचते तो हम लिखते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अब यहां पे सेल्स की जगह क्या लिखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट तो टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट आ जाएगा और कैश और बैंक की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक है सो हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में टू कॉस्टिंग पी एंड एल लिखेंगे कॉस्टिंग पी एंड एल में बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे सो so, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जनरल लेजर में टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट वन लाख एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड और कॉस्टिंग पी एंड एल में लिखा जाएगा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वन लाख एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ रहा है एडमिन एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एडमिन एक्सपेंस कहा जाता है अगर नहीं याद आ रहा है तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप इसमें इसको एक बार अच्छे से ध्यान रख लेना इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगा एडमिन एक्सपेंस कहाँ जाता है फिनिश्ड गुड्स में जाता है ठीक है तो मैं क्या एंट्री पास कर सकती हूँ यहाँ पे सबसे पहली बात तो बोला जा रहा है एडमिन एक्सपेंसेस है कितना पाँच हजार चार सौ एडमिन एक्सपेंस पाँच हजार चार सौ है तो मैं इसको पहले तो रिकॉर्ड करूँगी रिकॉर्ड मतलब एडमिन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट हुआ होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा मैं लिखूंगी पेमेंट हुआ मतलब हमारा कैश और बैंक क्रेडिट होना चाहिए तो उसकी जगह लिखेंगे जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और एडमिन uh, एक्सपेंसेस को क्या लिखेंगे एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ठीक है तो ये एंट्री पहले पास की जाएगी तो एडमिन ओवरहेड में लिखूंगी मैं टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड का और ये यह चला जाएगा मेरे जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जाएगा बाय एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ना ये वाले सिर्फ लेंदी होने वाले हैं अगर आपने जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ ली है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और आपको 10 से 15 मार्क्स देके जा सकते हैं अगर इतना लेंदी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो ठीक है तो आपको बढ़िया से इसको तैयार करके जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट हमने बोला एडमिन एक्सपेंसेस है तो एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज करने की एंट्री अलग से दी हुई है तो ये अभी ये रिकॉर्ड करने की हमको जरूरत नहीं है नेक्स्ट आता है सेलिंग एक्सपेंसेस छह हजार रुपए का सेलिंग एक्सपेंस हुआ है सेलिंग एक्सपेंस हुआ है तो ये कहा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट में जाएगा अब देखो जो जो चीजें नहीं आते जा रही उसके लिए हम अकाउंट बनाते जाएंगे जिनका तो बैलेंस था उनके लिए अकाउंट तो बना ही लिया अब जो जो नई आती जा रही है उनका अकाउंट हम बना रहे हैं साथ साथ ठीक है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अकाउंट बनाएंगे हम टू जनरल एजर एडजस्टमेंट अकाउंट अमाउंट कितना है हमारा सिक्स थाउजेंड का अमाउंट है सो सेलिंग जनरल एजर में लिख देते हैं बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट सिक्स थाउजेंड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आ जाएगा हमारे पास टू जर्नर एजर कंट्रोल अकाउंट सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एंट्री आ रही है फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो यहां पे क्या एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड दिया मतलब हमने खर्चा किया होगा कितना फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज तो फैक्ट्री ओवरहेड का ये रहा हमारे पास अकाउंट यहां पे हम लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ रही है स्टोर्स इशूड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मैं एसेट बना रही हूं कोई वो एसेट वर्क इन प्रोग्रेस में है उसके लिए मैंने स्टोर्स इशू किया है तो स्टोर्स इशू हुआ मतलब मटेरियल कंट्रोल से गायब हुआ मटेरियल कंट्रोल से मटेरियल गया है ना तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे और मैं डेबिट किसको करूँ डेबिट करेंगे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को तो मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगी जिसका नाम होगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और उसमें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करूंगी कितना अमाउंट है अमाउंट है हमारे पास वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो हमने बनाया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और हम हमारे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस अब देखो फिनिश गुड्स को मैं वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रही हूं मतलब अब मेरे पास फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गए फिनिश गुड्स जब बन के तैयार होते हैं उसके बाद हम क्या एंट्री करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में पहले चीजें थी अब फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गए तो मैं क्या करूंगी वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के फिनिश गुड्स में डालूंगी ठीक है तो एंट्री क्या पास होगी एंट्री होगी हमारी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड और एज वर्क इन प्रोग्रेस अब कम हो रहा है तो टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट So, सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस में हम लिख देते हैं बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट अमाउंट है हमारे पास वन लाख एट थाउजेंड का और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट वन लाख एट थाउजेंड ठीक नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास स्टोर इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर फैक्ट्री में रिपेयर के लिए मैंने स्टोर इशू किया तो ये जाएगा हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्योंकि मटेरियल इशू हुआ है अमाउंट कितना है टू थाउजेंड रुपीज तो फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड करेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे यहां आ जाएगा टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अमाउंट है टू थाउजेंड और हमारे मटेरियल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू थाउजेंड नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड टू प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर टू प्रोडक्शन मतलब अब इसको प्रोडक्शन में चार्ज कर रही हूं तो फैक्ट्री ओवरहेड हम कहां चार्ज करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में तो अब क्या एंट्री पास होगी फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा मैं बोलूंगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड ठीक तो हमने क्या किया फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर कर लिया टू प्रोडक्शन सिक्सटीन थाउजेंड एट थर्टी तो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा टू फैक्ट्री ओवर हेड कंट्रोल अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड एट थर्टी एंड हमारे फैक्ट्री ओवर हेड वाले में आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड एट थर्टी नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एंट्री आ रही है एडमिन ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है तो कहाँ जाएगा पहले बताओ डमिनोव एड को हम फिनिश गुड्स पे चार्ज करते हैं तो मैं बोलूंगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू एडमिन एट ठीक तो हम आ जाते हैं यहां पे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट अमाउंट है हमारे पास फोर थाउजेंड फाइव एटी फोर थाउजेंड फाइव एटी एंड हमारे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाएगा टू एडमिन ओवर एड कहा गया वही फिनिश गुड्स ये रहा टू एडमिन ओवर एड कंट्रोल अकाउंट फोर थाउजेंड फाइव नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फैक्ट्री ओवर एड एप्लीकेबल अनफिनिश्ड वर्क अनफिनिश्ड वर्क से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड वैसे भी हम अनफिनिश्ड वर्क मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में ही चार्ज करते हैं तो यही चले जाएगा हमारे पास ये अमाउंट थ्री थाउजेंड एटी टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट थ्री थाउजेंड एटी और हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आ जाएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट थ्री थाउजेंड एटी नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स सेलिंग ओवरहेड हम सेल्स को एलोकेट कर रहे हैं तो सेल्स को एलोकेट ही किया जाता है हमारा सेलिंग ओवरहेड कहां जाता है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है तो सेलिंग ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिटेड करेंगे अपन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट कितना है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम लिखेंगे बाय कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखा जाएगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हेड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक नेक्स्ट इसके बाद हमको दिया हुआ है स्टोर्स लॉस्ट ड्यू टू फायर इन स्टोर नॉट इंश्योर वन फिफ्टी का स्टोर्स लॉस्ट हो गया तो अप्रॉ एब खर्चा बोल सकते हैं हम इसको स्टोर्स लॉस हो गया मतलब ये होगा मेरा मटेरियल कंट्रोल तो मटेरियल कंट्रोल कम हुआ तो मैं इसको टू में डालूंगी और कॉस्टिंग पी में इसको चार्ज करूंगी ठीक है तो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और मटेरियल कंट्रोल में रिकॉर्ड करेंगे मटेरियल कंट्रोल में बोलेंगे बाय कॉस्टिंग पी अकाउंट वन फिफ्टी और कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वन फिफ्टी नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर फिनिश गुड्स स्टॉक ऑन थर्टी नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फोर्टीन थाउजेंड टू सेवेंटी फोर का मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है फोर्टीन थाउजेंड टू सेवेंटी फोर यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन फोर्टीन थाउजेंड टू सेवेंटी फोर ठीक है सो so, अब हमने सारी की सारी एंट्रीज तो पास कर ली जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ था पर देखो कोई भी अकाउंट ना हमारा भी कंप्लीट नहीं दिख रहा है सारे के सारे इनकं हमको दिख रहे हैं तो हमको क्या करना है अभी इसको कंप्लीट कंप्लीट करना है complete कैसे करेंगे तो स्टार्टिंग विध देखो स्टार्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ तो हमने देखा था पहले मटेरियल आता है फिर लेबर आता है फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है फिर फैक्ट्री वगैरह आता है फिर वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट पे चलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हमारा ये रहा इसको हम पहले बैलेंस करते हैं नाइन थाउजेंड फोर फिफ्टी मेरे पास पहले से था फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नया आया इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में मैंने फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी डाल दिया नेक्स्ट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में गया टू थाउजेंड फैक्ट्री ओवर में गया वन फिफ्टी हमारे कॉस्टिंग एल में गया तो बचा कितना बचा मेरे पास ट्वेल्व थाउजेंड एट थर्टी एज सारा का सारा इशू हो गया है तो ये जो बचा हुआ है वो मेरा बैलेंसिंग फिगर बचा होगा बाय बैलेंस डाउन ट्वेल्व थाउजेंड एट थर्टी इसके बाद मेरे पास वेजेस आते हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट पे आ जाते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से मेरे पास फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आया था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव ट्वेंटी मैंने फैक्ट्री ओवर में इशू कर दिया फिफ्टी फाइव थाउजेंड एटी मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में इशू कर दिया तो ये तो मेरा हो गया बैलेंस फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसके बाद मेरे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड है ना ये भी बैलेंस हो गया तो इसको भी मैं टोटल लिख सकती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अब इसमें एक चीज हमारी छूट गई है क्या छूटा है वेजेस कंट्रोल अकाउंट में जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का टू फाइव टू जीरो है वो हमने वहां रिकॉर्ड नहीं किया तो वो यहाँ पे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू फाइव टू जीरो ठीक है तो मेरे पास है यहाँ पे थ्री सिक्सटी प्लस फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस टू फाइव टू जीरो प्लस टू थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड एट थर्टी मैंने WIP आई पी कंट्रोल में डाला वापस थ्री थाउजेंड एटी मैंने डब्ल्यू आई पी कंट्रोल में डाला ये थ्री थाउजेंड एटी है ठीक है तो मेरे पास कितना बचा फाइव सेवेंटी इज माय बैलेंसिंग फिगर तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा ठीक है ये इस ऐसे करके हमने इसको भी बैलेंस कर दिया नेक्स्ट हमारे पास आता है डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यू आई पी कंट्रोल अकाउंट में भी हमने एक एंट्री छोड़ दी है भाई हमारे वेजेस कंट्रोल अकाउंट की चीजें हम कहीं लेके नहीं गया लग रहा है मेरे को बाय डब्लू आईपी कंट्रोल अकाउंट फिफ्टी फाइव थाउजेंड एटी था इसको हम यहां रिकॉर्ड कर लेंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट ठीक है फिफ्टी फाइव थाउजेंड एटी अब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है सेवन जीरो फाइव सिक्स सेवन जीरो फाइव सिक्स प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री सेवेंटी प्लस वन वन थ्री फाइव प्लस सिक्सटीन थाउजेंड एट थर्टी प्लस थ्री थाउजेंड एटी प्लस फिफ्टी फाइव थाउजेंड एटी दैट इज इक्वल टू वन टू एट फाइव फाइव वन वन टू एट फाइव फाइव वन मेरा टोटल हो रहा है इसमें से वन लाख एट थाउजेंड मैंने इशू कर दिया ठीक है तो मेरे पास कितना बचा ट्वेंटी थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन बचा ट्वेंटी थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन बचा अब इसमें देखो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड अनफिनिश्ड वर्क वाला थ्री थाउजेंड एटी थाउजेंड एटी अनफिनिश्ड वर्क है मेरे को समझ आ रहा है पता है तो मैं इसको तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लेके नहीं गई होंगी तो ये वाला खर्चा मेरा होगा इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड अनफिनिश्ड और इसके साथ साथ कुछ अदर्स होगा मेरे पास है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स अनफिनिश्ड कितना है थ्री थाउजेंड एटी बचा हुआ अमाउंट कितना है सेवनटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी करके आप टोटल इसको शो करोगे। By balance carried down. ठीक? Next. Work in progress के बाद क्या आता है? Admin overhead. तो admin overhead control account पे आ जाते हैं। Two balance down था मेरे पास वन एट्टी का फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड जनरल कंट्रोल अकाउंट से आया और फोर थाउजेंड फाइव एट्टी हमने इशू कर दिया बचा कितना वन थाउजेंड ये वन थाउजेंड जो बचा ये मेरा हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन ठीक टोटल कितना हुआ टोटल है फाइव नेक्स्ट एडमिन के बाद मेरे पास आता है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट पे आ जाते हैं यहां पे मेरे पास है 5274 प्लस वन लैक एट प्लस 4580 माइनस 14,274. तो बचा कितना वन लैख थ्री थाउजेंड फाइव एटी फिनिश गुड्स से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग डाउन वाला तो बैलेंस मेरे पास पहले से है बॉड डाउन वाला बैलेंस पहले से है जो जो फिनिश गुड्स के अंदर आया वो भी मेरे पास पहले से है अब फिनिश गुड्स वाली चीजें सेल भी तो करेंगे हम तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा अच्छा ये यहां नहीं आएगा टू फिनिश गुड्स

ये भी हमने बैलेंस कर दिया इसके बाद क्या आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स तो कॉस्ट ऑफ मैं कहा लेके जाऊंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स जाता है अमाउंट आएगा वन लाख नाइन थाउजेंड एटी तो ये मेरा हो गया बैलेंस अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमारे पास क्या आता है हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग एल अकाउंट तो पहली बात तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से जितना अमाउंट था उसको मैं कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट में लेके जाऊंगी तो यहाँ लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स वन लैख नाइन थाउजेंड एटी ठीक तो हमारा हम पहुंच गए कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट में अब हम कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं तो कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट में बैलेंस अगर आप देखोगे तो यहां पे बच रहा है मेरे पास नाइन थाउजेंड फाइव सेवेंटी ये नाइन थाउजेंड फाइव सेवेंटी कहाँ जाएगा ये जाएगा हमारे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्यों जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्योंकि भाई ये प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर यहां नहीं शो होता कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट में हम बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस बॉट डाउन नहीं लिखते ये अमाउंट जो बचा हुआ है ये पूरा का पूरा मेरे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा ठीक है सो हम क्या करेंगे यहां पर रिकॉर्ड करेंगे हमारा अमाउंट बाय कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट नाइन थाउजेंड फाइव सेवेंटी अब टोटल करो वन लैख एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री ट्वेंटी माइनस फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस वन वन थ्री फाइव माइनस फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइन थाउजेंड फाइव सेवेंटी दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास आ रहा है फिफ्टी वन टू टू फाइव का नेगेटिव बैलेंस मतलब यहाँ पे शो हो होगा टू बैलेंस कैरी डाउन फाइव वन टू टू फाइव टोटल देखोगे तो ये आ रहा है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ठीक है तो हमने इसको भी बैलेंस कर लिया अब एक बार देख लेते हैं कि सारे के सारे अकाउंट हमने बैलेंस कर लिए कि नहीं तो ये हमने बैलेंस कर लिया हमने फैक्ट्री ओवरहेड बैलेंस कर लिया हमने फिनिश गुड्स को बैलेंस कर लिया एडमिन ओवरहेड हो गया स्टोर लेजर हो गया जनरल लेजर हो गया वेजेस हो गया कॉस्टिंग पी एंड अकाउंट हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बच गया तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कहाँ चला जाएगा बाय बैलेंस कैरीडाउन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये भी बैलेंस हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बैलेंस हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बैलेंस हो गया तो हमने सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लिए सबको बैलेंस भी कर लिया अब हमारा काम आता है ट्रायल बैलेंस बनाने का ट्रायल बैलेंस में अब सारे के सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हम शो करेंगे ठीक है जहां भी बाय बैलेंस कैरेड डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन आया ना वो चीजें यहाँ पर शो होंगी अब सब सबसे पहले आते हैं स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में आता है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन इसको हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद हमारा फिनिश गुड्स का जो बैलेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे फोर्टीन थाउजेंड टू सेवेंटी फोर एडमिन ओवरहेड का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे वन थाउजेंड स्टोर्स लेजर का जो बैलेंस है ट्वेल्व थाउजेंड एट थर्टी ये रिकॉर्ड होगा जनरल लेजर का बैलेंस रिकॉर्ड होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है कॉस्टिंग पी एंड एल में नहीं है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बैलेंस जाएगा तो ये सारे बैलेंसेस को हमको यहाँ रिकॉर्ड करना है ठीक है सो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड फाइव फिफ्टी वन यहां आ जाएगा नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट बैलेंस है फाइव सेवेंटी यहां रिकॉर्ड हो जाएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट फोर्टीन थाउजेंड टू सेवेंटी फोर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 12,830 Admin Overhead Control Account 1000 General Ledger Adjustment Account 51,225 Capital Work in Progress Control Account 1500 and last Selling and Distribution Overhead कंट्रोल अकाउंट इसके अंदर है हमारे पास 500 अब अगर आप टोटल करोगे तो ये मैच करेगा फिफ्टी एंड फिफ्टी टू नीफ सो इसी के साथ हमने नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के पूरे जर्नल उनके लेजर्स कैसे बनते हैं उनके कंट्रोल अकाउंट्स कैसे बनते हैं और ट्रायल बैलेंस ये पूरा देख लिया अब हमारे पास क्या बचता है हमारे पास बचता है कि भाई नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट का अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने का काम आपका है ठीक है एक बार ट्राई कीजिएगा क्योंकि हमको जर्नल एंट्रीज आती है और हमको पता है कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे और कल की क्लास में मैं इस क्वेश्चन को पूरा डील करूंगी इसके साथ साथ हम अगली क्लास में रिकनसिलेशन स्टेटमेंट भी पूरा कवर करेंगे ठीक है सो आज की क्लास में यही एंड करती हूँ आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हुई हूँ अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग